जेने इस्तीफा देना सी तो पहला क्यों नहीं दिता? मैंबर पंचायत सरपंच दे नाल हुंदे आ, मैं तो अपने वगैरह भी सहन नहीं करते भी तुसीं किवें उत्ते सहन करते। ये कोई निक्की मोटी गल तो नहीं, ये कोई कल्ली पंजाब की गल नहीं, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, उन्होंने पंजाब के हित की गल सी, किसानों के हित की गल सी, मजदूरों के हित की गल सी, आर्थिक भी तुसीं अनपढ़ किवें इत्ते भी सहन करते। सिद्धू दा सीगा उत्थे कट, उन्हें कांग्रेस की कोई झंडी कोई नहीं लाई। मैं मानता मैं उस नाल सहमत हाँ, ये नहीं कहो कि मैं यही नहीं कहता मैं अकाली हाँ, मैं कांग्रेस हाँ, भी तुम झंडे लाई पड़ते अकालिया के चलते थे लोगों के हित च, मुद्दा किसान का, किसान मुंडे झंडे चको। जिमीदार कट्ठ मरणगे उत्थे जिमीदार, तो झंडे चलाओ आपदे भी साडा कट्ठ है, साडा कट्ठ है। इन्हां ना तेल पाओ, ना इन्हें सिम खरीदो, ना इन्हें मोबाइल लो, इन्हों का बिल्कुल बाइकाट करो जी आप ज्यौते रहना। तो प्रैम दे टीवी चैनल देखने वाले सारे ही दर्शकों, जोगिंद्र सिंह गिल मोगा वालों सत श्री अकाल जी। अज असी खड़े हाँ मोगा जिला के पिंड कोठे पत्ती मुहब्बत विखे, जिथे कि जो मोदी सरकार ने 3 बिल पास किए हैं किसानों के विरोधी, उस संबंध के करांगे आपां इतों के किसानों के नाल विशेष गलबात की कहना है किसानों का इन्होंने बिलों के बारे। आओ करते हाँ जी इन्हों गलबात। जिस तरह ही श्रोमणी अकाली दल किसानों की पार्टी कहा गया, पर जिस तरह भी हुण बीबी हरसिमरत कौर बादल ने अस्तीफा भी देता, ये बारे की कहना चाहते? चलो मैं तो क्योंकि असी 97 तो इस पार्टी ने ज्वाइन किया, जल्दी किते किसी घर के परिवार को निंदा नहीं जाता, तो बड़ा सलाहना भी माड़ा हों। जेने इस्तीफा देना सी तो पहला क्यों नहीं दिता? जो इन्हें पहला हूँ जो बयान देंगे भी सानू भरोसे से लैके मता, हालांकि इन्हें पता है मता पहला पास हो गया सी, इन्हें सहन भी है, अज का बयान है सुखबीर का, कहिंदा कि सानू भरोसे लिया गया सी भी तुहानू असी इस मतलब इलाके दे जिहड़ा जमीनी कश्मीर किसानों के बिल है जां किसानों के खेती दे है 3 बिल पास करने हैं, असी किसानों हित च रख के ये बिल पास करांगे। उन्होंने की किया उहदे विच हरसिमरत कौर बादल का भी नाल बयान है भाई सानू इन्होंने क्या जरूरत सी, असी मते सहन करते पर सानू बाद च इन्होंने अखों परोखे करता भी बाद च बिलों पास करता कि आप एडी अनपढ़ता, तो पिंड पंचायत है, मैंबर पंचायत सरपंच दे नाल हुंदे आ, मैं तो अपने वगैरह भी सहन नहीं करते भी तुसीं किवें उत्ते सहन करते। ये कोई निक्की मोटी गल तो नहीं, ये कोई कल्ली पंजाब की गल नहीं, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, उन्होंने पंजाब के हित की गल सी, किसानों के हित की गल सी, मजदूरों के हित की गल सी, आर्थिक भी तुसीं अनपढ़ किवें इत्ते भी सहन करते, कोई पढ़ के सहन करते भी तुसीं किवें अनपढ़ तां सहन करते भी, तो अनपढ़ता सी 1+1 भी इत्ते सहन करते, क्योंकि इत्ते सहन हुण तुहाडे अस्तीफा देने दा की फायदा? जो जिमें कहिंदा चिड़िया खोद की खेत की, हुण की करना, जो काम ही बीत गया हुण अस्तीफा जो ना दिओ, ये हुण तुहाडा की हक है? हुण जिवें लोक बाकी मैं नाले गल कहूँगा भी जिमें 31 जथेबंदियां ठीक है, वो जथेबंदियां धरने देंदियां पंजाब तो लैके हरियाणा, हरियाणा तो चंडीगढ़, चंडीगढ़ तो दिल्ली तक उन्हें घराव भी किया, इंडिया गेट से हरियाणा ट्रैक्ट साड़े, इंडिया गेट से ट्रैक्ट साड़े, जितने कि चिड़ी नहीं फरकती, जिमीदार ट्रैक्ट उत्थे भी साड़े साड़े ना, वो क्यों साड़े है? अपने हितों की खातर साड़े, तो सोनू हूँ ही चेता आ गया। तुसी आप दियाँ कल सिद्धू दा सीगा उत्थे कट, उन्हें कांग्रेस की कोई झंडी कोई नहीं लाई। मैं मानता मैं उस नाल सहमत हाँ, ये नहीं कहो कि मैं यही नहीं कहता मैं अकाली हाँ, मैं कांग्रेस हाँ, भी तुम झंडे लाई पड़ते अकालिया के चलते थे लोगों के हित च, मुद्दा किसानों का, किसान मुंडे झंडे चको, अपनी दाती तौड़ा वह झंडा लैके चको, चिट्टे तौड़े चको, कालिया झंडिया ला के चलो। मैं ये नहीं कहता किसी पार्टी भी, किसी पार्टी झंडा आपकी पार्टी जोड़ा भी बंदा लैके, मैं नहीं कहता पिंड च जिथे भी बंदा झंडा लैके जाता उसकी विरोध करो, रोको। की तुम समझते हो जो राजनीतिक पार्टियां अजक रैलियां कर रही, वो आपकी सियासत गरमा रही चमका रही इस मुद्दा लैके, किसानों के मुद्दे लैके रोटियां आपदियां सीख दे, कोई चकार नहीं,
कोई पार्टी डिगदी है जिवें कुछ बंदा डिग पिया तिड़ा नूं हथ पाउंदा पाउंदा ना आप हर कोई पता। मैं कहना किसानी मुद्दा है, किसानी मुद्दा लैके चलो वा किसान का तौड़ा तरती लग तो चली चलो उत्थे आप झंडा लैके जाना मतलब कि जे कांग्रेस है वो जी आपका झंडा लाँदी है मैं तक बरखला मैं जे पिंड लोग पिंड मार्च ना तो रोक के रोको उन्होंने फूको उन्होंने रोक के तो क्यों झंडा लाओ ये तो किसान हथ है ना जे काली है झंडा काले खट्टा क्यों झंडा लाओगे वो साड़ी आपकी पार्टी का झंडा वो आपके लेवल तो रखो आपके लोगों के रखो पार्टियाँ रखो ये तो किसान हित पार्टी है ना जे आप तो उल्ट चलेंगे फिर तो रोटियां तुम आप पता लगे रोटी सेकन की गल होगी भी जिमीदार कट्ठ मरणगे उत्तर जिमीदार तो झंडे चलाओ आपते भी साडा कट्ठ है साडा कट्ठ है हो चुकी है। जिस तरह जी हुण कुछ लोग मंग करते हैं भी जिहड़े जियो दे सिम आ उह बंद किए जाण ते जिहड़े रिलायंस दे पंप आ उहनां दा बाईकाट किया जाए इस बारे की कहना चाहुंदे? इहदे च कोई दो राय तां है ही नहीं, ये आपां नूं पता ही है भी सेंटर की पॉलिसी है, सेंटर ते सारियां पार्टियां जियो नूं की दूजा हो गया अपना मोदी सरकार ते सारे आपदे बंदे आए अपने इन्हें पहला अपने मोगे खोलिया सी स्टोर बनाया सी कणक वास्ते वो बनाया सीगा हुण इह कहिंदे वी हर जिले च दो चार बनावांगे ते तहसील पद्धर ते बना रहे हैं उहनां दा भाव तां बनाउण दा इही है भी साडी गल नूं ए वपारियां ने कम खरीद लैणा जी जे रिलायंस वाले आ रिलायंस आल ते एंड वाले इंडियन नूं आपां कहिंदे आ जिहनां दे उत्ते बणाए आपणे डगरू कोले स्टोर बणे हुए अदानी अडानी वाले ने उहनां दा भाव तां इही बण गया भी तुसीं असीं साडी सरकार आ कोई चक्कर नहीं पांच साल राज करांगे थोनू असीं जिमीदारों गर्मी कर ही देने हो ही जाना कोई शक च गल ही कोई है नहीं कसर कोई रहता बाकी ही नहीं। उन्होंने उस काम के भंडार खोल लगे पहला रिलायंस ने जो पंप खोले बंद क्यों किए उदो पंजाब दे विच की हिंदुस्तान च कांग्रेस सरकार आ गई सी उन्होंने नत्थ पाती सी इन्हां दे सारे रिलायंस के पंप बंद हो गए सी क्यों बंद हो गए सी इन्हां नूं उदे पैसे नहीं मिलते सी जिन्ना पैसे भालदे हुण तो पेट्रोल कोई सस्ता है कांग्रेस सरकार मुक जो ने रिलायंस ने पंप खोले सी ना इन्ना तेल 2 रुपये 25 पैसे महंगा आउंदा सी क्यों महंगा है जी इन्हें बंद क्यों किए बाद च भी सानू वार नहीं खाते असीं नहीं 10 साल बंद कर ले हुण क्यों खोलते इस करे खोलते भी साडी पार्टी सेंटर च है सानू सब कुछ मिलना है जो दफ्तर खोल लो जो भंडार खोल लो आप ही खरीदते आप ही करने हैं असीं पूरी जोर मंग करते हैं भी बिल्कुल रिलायंस का जो भी है अडान का जो कुछ भी है जिमीदार भाईचारे आढ़ती भाईचारे मजदूर भाईचारे इन्हों ना तेल पाओ ना इन्हें सिम खरीदो ना इन्हें मोबाइल लो इन्हों का बिल्कुल बाईकाट करो जे आप जिंदे रहना तो। एक भगवंत मान का बयान आया सी सर भी जिस तरह जिहड़ियां पिंडां दीआं ग्राम पंचायत होंदियां अगर वह ग्राम पंचायत आपका मता पा दें तो उहदे विच सरकार बाद दे विच कुछ नहीं कर सकती इहदे बारे की कहना चाहुंदे? चलो मैं बहुत सोहनी गल है ये कोई माड़ी गल नहीं बहुत सोहनी गल है जे किसी चलो सेंटर तो पैसा आया जा सूबे तो पैसा आया पंचायत नूं आया पिंड नूं आया जां किसे अपनी ग्राम पंचायत वा शहरां च गए ने उह कोई माड़ी गल नहीं जे उत्ते कोई रोक लाउंदा मैं कहना बहुत माड़ी गल है वह पैसा लगना चाहिए क्योंकि उहदे च उह पैसा कित्थे लगना लोगों के काम च लगना। नहीं नहीं सर मैं ये गल नहीं की मैं कहता जिहड़ा एक कानून आया वा जिहड़ा मोदी सरकार ने 3 बिल पास किए आ इहदे खिलाफ़ जे उस पिंड की ग्राम पंचायत मता पा दिंदी आ तां फिर वह मते का कोई असर वह पंचायत ते नहीं हुंदा इहदे बारे की कहना चाहिए? बिल्कुल नहीं बे जे मता पाउणा तो पंचायत नहीं पाउणा वो तो सरकार नूं जे मता जे सरकार रोस क्यों करूगी वो तो पिंड का मसला आपदा असीं जो मर्जी मुजहरे कर सकते पिंड ये थोड़ी है भी जे साडे पंचायत अकाली सरकार या कांग्रेस सरकार आ जाते पिंड च सरपंच होर आ जी होर आ जां असीं कुछ भी है ये किसी चीज़ की कोई रोकटो नहीं होनी चाहिए वह पिंड का आपदा मसला पिंड की पंचायत का आपदा मसला जो करना है पिंड की पंचायत ने करना पिंड के सरपंच ने करना एम सी ने करना उसकी मौजूदा स्थिति ने करना जे कोई रोकटो करता जो रच के विरोधता करा ये कि गल कोई शक वाली गल नहीं। हम किसान भरावों की संदेश देना चाहते? मैं तो संदेश यही दूंगा जो तक मेरी सोच है बई सेंटर सरकार के प्रति जो भी उन्होंने संस्थाव खोलिया गई इतने उन्होंने कोई बंदा फसल ना दे घट मुल तो वेच लो आ साल नहीं 6 महीने फिर सही जे मर्दी नहीं तो अक्क चपना ही है वो गल बाद गल है जब तक किसान भरावों का संबंध है उन्होंने दर्ज के जिन्ना आप कर सकते वो तो वह बाईकट करो जिहड़ा बंदा BJP की खातर वोट मंगन आता पिंड रच के विरोध करो जब तक मैं तो यह भी कहूँगा
भी उन्होंने पिंड से वड़ना दो छत्र मार के उन्होंने पिंडों बहर कड़न की कोशिश करो। आपको कोई झेपन की लड़ नहीं, मैं नगर के नाल खड़ा आसे पासे नगर पंसा जिन्हें भी है जब तक मेरी पहुँच है मैं तो लोगों को यह संबोधन करूँगा भाई जे थोनों बीजेपी की खातर कोई वोट मंगना आता समर्थ मंगता बिल्कुल समर्थ नहीं देना उन्होंने पिंड चो बहर कड़न की कोशिश करो। सब तो पहली गल तो मेरी ये है कि मैं किसी पार्टी ना संबंध नहीं गल बोलता चाहे कोई अकाली है चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है ये तो आईया तो गई चलदिया रहनिया क्योंकि 75 साल तो लैके हूँ तक लोकतंत्र पार्टी सेंटर च बनती रही है जो तक मेरी सोच सी मैं तुहानू अज तो 5 महीने पहले दसता सी सेंटर दे विच कोई भी सरकार आउंदी है किसी ने किसान दे हित च गल नहीं की सरकार नू खरीदन च सरकार नू डोबण च उन्हों खत्म करने वास्ते जो भी गल की है मता पाया कुछ भी किया इन्होंने उही करदे ते उही करदे सानू सब नू पता लग गया हुण तां इन्हें साबित करता जो भी कहिंदे सी असीं इह कीता जो कीता मोदी पहलां मेरे हिसाब दा मगरले 5 साल दे विच 2 साल ते 7 महीने ये विदेश रहा जब तक मेरा आइडिया मोटा मोटा मैं कढ़िया भी इन्हें हिंदुस्तान बारे उदों क्यों सोचा उदों विदेशां कुतरे फिरदा सी हुण 2 साल सरकार बणी हुण क्यों विदेशां जांदा उत्थे जावे हुण पुछे लोकां नू बाहरले लोकां नू इहदा हिंदुस्तान दे हित च की इरादा की मनसूबे इहदे। मैं एक भी गल दृढ़ तरह कहना चाहुंदा हां इन्हें एक नारा लाया सी एक राष्ट्र ते एक भाषा मैं गल लिख के देने तैयार हाँ उहदे मन दे विच गल सी भी असीं हिंदुस्तान दे विच इको राष्ट्र ते हिंदी भाषा लागू करनी चाहुंदे सी पर दूए दिन ही अमित शाह ने इहदा बयान बदलता ट्वीट करता नहीं कहिंदा कि एक राष्ट्र ते आम भाषा चलो उहदे नाल लोकां नूं शांत करता लोग टिक गए उहदे लोग उठना चाहुंदे सी पर हुण तां इन्हां ने हद ही करती ये नहीं क्योंकि असी भी लोगों विचरते हैं पंचायती राज पिंड हैगा असी 15 साल सरपंची भी की है पर जे मेरे को बहुमत है ये नहीं हों कि मैं जो मर्जी पिंड करी जावा लोगों विछाड़ के सीटी जावा दरख्त मार दें उन्होंने उच्चा कर दें नीवा कर दें एक अपनी राष्ट्र की बनी भी है संस्था बनी भी है संयुक्त राष्ट्रक बनया वा भी जे को बहुमत है बहुमत यह नहीं हों भी जो कि बंदा बच्चों वाकआउट कर गया उत्थे बह के मते पास कर लो एक दोवें घंटे एक घंटे बच्चे ही 10 मते पास कर दो खेती बिल ए कर दो जाओ मत बहुमत का मतलब तो यह हों भी आप कम करो उस कोई रोक टोक ना होम करो लोगों के हित इन तो हद ही करती लोगों डोबण की की आ खेत अच्छा असी की करा ये हूँ अच्छा कल ही हरियाणा का बिल से खबर तुम आम सब ने पढ़ ली होगी उन्हें दसिया भी असी विदेश किसी भी सूबे दे विच फसल आपदे सूबे नहीं आउण देनी अच्छा इहदी भुल्ल भाषा की सी जिथे मर्जी फसल वेचो कोई रोक टोक नहीं होगी ते कि हरियाणा ते पंजाब च किन्ना फर्क है उन्हें बयान दिता कल भी साढ़े सूबे च कोई फसल ना आवे असी कोई सूबे फसल खरीदी नहीं वे किन्ना फर्क पै गया जे सरकारी खरीद नहीं हुई हालांकि जिमीदार जिन्हां जथेबंदियां 31 जथेबंदियां उन्हां दी मंग ये हुंदी सी भी हर एक फसल का मंडीकरण होवे मंडीकरण का भाव सरकारी मुल होवे मूंगी है मक्की है ज्वार है जो भी फसल हैगी है उहदे विच पर मंगदे दे सी उल्ट की हो गया भाई जिहड़े दो पहला मूंगी मंडीकरण की सी कणक ते झोना दो ही सी ना बाकी सारा कम कैंसल हो गया सी इन्होंने लोग तो मंगते सी जनता मंगती सी जत्थे मंगदियां सीगियां बई सारिया फसलों का भाव मंडीकरण हो गए हूँ जिते मतलब आप मक्की तय भी जगना पता लगे भी पक्का भाव अपन मिल जूगा 2000 बन दिन 1500 बन दिन 1600 बन दिन मूंगी का भाव बन दिन 2000 बन दिन 2500 बन दिन बेचांगे सानू मिल जू पर जो खरीदन मौके सरकार का भाव हों की 1200-1300 जो व्यापारियों ने खरीद लिया उदो भाव की होंगे 5000-6000 हूँ आलूआं का की होया खरीदे 5-6 रुपये किलो हूँ की विकी जाते हैं 50 रुपये किलो प्याज है खरीदे 15 रुपये किलो बिकते हैं 50 रुपये किलो टमाटर है मटर कितने भाव चढ़ गया ये कोई शक नहीं
ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਸੀ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚਲੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਓ ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਆਓ ਉਹ ਕਿ ਪਾਗਲ ਸੀ ਇਹੋ ਹੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਉਲਟ ਹੋਊਗਾ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋ ਗਈ ਤਿਆਰ ਮੰਡੀ ਜਾਊਗੀ ਮੰਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਿਆਰ ਉਹਨੂੰ ਛਾਣੂਗਾ ਭਰੂਗਾ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰਨਗੇ ਟਰੱਕਾਂ ਭਰਨਗੇ ਟਰੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਲੋਡ ਕਰੂਗਾ ਲਿਜਾਊਗਾ ਰੋਟੀ ਉਹ ਵੀ ਖਾਣਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰੂਗਾ ਰੋਟੀ ਉਹ ਵੀ ਖਾਣਗੇ ਉਦੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਚਲੋ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਕਾਨ 'ਤੇ ਲਾ ਲਿਆ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ ਲਾ ਲਿਆ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਰਦਾ ਇਸ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦੂ ਸਮਾਨ ਲਿਓ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਓ ਸਮਾਨ ਲਿਓ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਤੁਰੂਗਾ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ 4 ਪੈਸੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰਦਾ ਕੀੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ 'ਚ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀੜੀ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਤਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵੇਚਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅੱਜ ਹੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਵੇਚਣੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਲੈ ਜਾਂਗੇ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਲੈ ਜਾਂਗੇ ਜਰਾਵਾਂ ਲੈ ਜਾਂਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣੀ ਕਿਹਨੇ ਹੈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਡੀਕਰਨ ਘਰਾਓ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣਗੇ ਖਰੀਦਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਕਰਾਉਣਗੇ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਦੇਣਗੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗੱਲ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦੇਣਗੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਝੋਨਾ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 1800 ਨੂੰ ਹੈ ਵਪਾਰੀ ਖਰੀਦੂਗਾ 2000 ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਕਿਹਦੇ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਟੋਮੈਟ ਸਾਡੀ ਮਾਤੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਭਾਅ ਵੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਵੱਧ ਭਾਅ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਅ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਪੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਪੀ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਓ ਜਦੋਂ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ 2 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਏਕੜ ਪੈਲੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਾਹ ਪੈਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਿ 5-6 ਏਕੜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਵਪਾਰੀ ਖਰੀਦਦਾ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਅ ਦਿੰਦਾ ਅਗਰਾ ਗਿਰਾਜ ਵੇਖ ਲਓ ਨਰਮਾ ਵਪਾਰੀ ਖਰੀਦਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਫਸਲ ਖੇਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਪਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਭਾਅ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਬਈ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜੀ ਖੇਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਜੀ ਗੱਲ ਬਿਆਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅੱਜ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲਿਆ ਸੀ ਬਈ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਸੀਂ ਸੈਨ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਜੀ ਖੇਤੀ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਲਵਾਂਗੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਆਪਦੇ ਮਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਠੇ ਪੱਤੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੈਮ ਦੇ ਲਈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬਲਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ।